आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं सुमित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों को टेंसेंट के फाउंडर एंड सीईओ पोनी मा से रिलेटेड कुछ रोचक तत्व बताने जा रहा हूँ। वो आजकल सुर्खियों पर हैं क्योंकि वो चाइनीज शॉपिंग जायंट अलीबाबा के मालिक जैक मा को छोड़कर चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स के अनुसार वो दुनिया के टॉप अंडर 10 अमीर व्यक्ति में आ गए हैं। टेंसेंट जो एक चाइनीज बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर शेंजेन चाइना में है। टेंसेंट के फाउंडर एंड सीईओ पोनी मा का और एक नाम है मा होय तैंग। अगर गलती हो गई तो माफ करना मा होय तैंग। उन्होंने शेंजेन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और वो चाइना के सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म में भी काम किए हैं। एग्जाम्पल में जैसे वीचैट जो कि व्हाट्सएप का एक दूसरा प्रारूप है जो चाइना में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उन्होंने गेमिंग की दुनिया में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। पबजी का नाम तो सुना ही होगा। पबजी मोबाइल के डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम टेंसेंट कंपनी ही करता है। तो पबजी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू डॉट का प्रोडक्ट, मगर इसमें सबसे ज़्यादा शेयर टेंसेंट का ही है। यानी कि जाहिर सी बात है सबसे बड़ा रिवेन्यू इसका चाइना को ही जाता है। टेंसेंट अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कंटेंट का विस्तार कर रहा है, जैसे गेम्स, वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, न्यूज, म्यूजिक, लिटरेचर इत्यादि। इसके कुछ पॉपुलर गेम्स हैं जैसे ऑनर ऑफ किंग, लीग ऑफ लीजेंड्स इत्यादि। टेंसेंट मलेशिया के आईफ्लिक्स जो कि एक OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा निवेश कर चुका है। चलिए अब टेंसेंट कंपनी की कमाई की बात करते हैं, जो आप सुनकर चौंक जाइएगा। पबजी मोबाइल 2019 में $200 मिलियन जो कि 1,512,56,00,000 रुपये की बराबर है। उस वर्ष मई के प्रत्येक दिन की कमाई जो पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट द्वारा कमाई गई है वो है 3268,38,729 रुपये, जो बहुत ही ज़्यादा है। टेंसेंट के मालिक पोनी मा की जून 2020 तक की कमाई $5,530 करोड़ है, जो कि 387,971 करोड़ के रुपए के बराबर है। ये सब सारा पैसा चाइनीज गवर्नमेंट को जाता है और वो इन्हीं पैसों से दूसरे देशों को आंख दिखाता है। तो हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं जो हम लोग इतना सारा पैसा चाइनीज गवर्नमेंट को दे देते हैं, जो वो इन पैसों से हमारे सोल्जर, हमारे देश को नुकसान पहुंचाता है। अतः मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज ऐप है, खास करके पबजी मोबाइल, तो डिलीट करना ही करना है और बायकॉट चाइना के कैंपेन को आगे लेकर बढ़ना है, ताकि हम अपने देश को इन चाइनीज प्रोडक्ट से बचा सकें और जितना से ज़्यादा हो जितना उतना कम इस्तेमाल करें चाइनीज प्रोडक्ट का। नहीं तो हम लोग का यही रवैया रहा तो हमारे मुकेश अंबानी भी पीछे छूट जाएंगे और पोनी मा आगे निकल जाएगा। धन्यवाद।